वेलकम व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, आज का हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैकस ट्यूटोरियल 2। तो आप लोगों ने हमारा ट्यूटोरियल वीडियो 1 देख लिया होगा, उसमें हमने आपको बताया था कि सिंगल डिजिट के बारे में बताया था, अबैकस का इंट्रोडक्शन दिया था कि अबैकस कितने होते हैं। हमारे पास मास्टर अबैकस है, सीनियर अबैकस है, जूनियर अबैकस है। उसके बाद अबैकस को क्लियर कैसे करना है, हाउ टू होल्ड अबैकस, फिर हमने पेंसिल कैसे पकड़नी है, राइट हैंडर्स ने कैसे करनी है पकड़नी है, और लेफ्ट हैंडर्स ने कैसे पकड़नी है, और प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चन करके भी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहले उसको देख लें, अगर वो डायरेक्टली ये वाला वीडियो देखेंगे तो उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि दोनों वीडियोस का आपस में लिंक है, ये उसके साथ कनेक्टेड है। अगर वो आपने देखा है तो ये आपको बहुत जल्दी और बड़ी अच्छी तरह से समझ भी आ जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा आपके साथ प्रॉमिस किया था, लेकिन उससे करने से पहले मैं आपको एक अपील करता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही हम कोई वीडियो नया अपलोड करते हैं तो आपको उसी टाइम उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप उसको उसी टाइम देख सकते हैं। क्योंकि हमारे चैनल पे अगर आप देखोगे तो हमने बड़े से वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन आप अगर ये ट्यूटोरियल सीख रहे हैं शुरू से तो आप ये स्टेप वाइज चले, क्योंकि अगर आपने मल्टीप्लिकेशन या डिविजन के देखने की कोशिश की तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप स्टेप वाइज इन वीडियोस को देखें। तो अभी हम ये नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आज हमने डबल डिजिट का करना है। तो मैं आपको डबल डिजिट का यहाँ से बता दूं, जैसे उस दिन हमने किया था, ये हमारी वन्स राड है, जैसे जिसको हम यूनिट राड भी बोलते हैं, फर्स्ट राड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने उस दिन देखा था हमारे जो बीड्स हैं वो 0 से लेके 9 तक आते हैं, तो क्योंकि जब हमारा बीड टच होता है तभी उसको वैल्यू मिलती है। तो वन राड के साथ वाली जो राड है इसको हम टेंस राड बोलते हैं। तो जो टेंस राड पे है हमारी ये 2 फिंगर चलती है लेफ्ट हैंड की, मैं जैसे बता दूं, जैसे यहाँ पे 1 होता है हमारा तो यहाँ पे 10 होता है, तो इसको हम बोलते हैं 10, तो दिस इज 20। तो जब इसको हमने ऊपर करना है, क्योंकि हमारी ये 2 फिंगर्स फ्री हैं, तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की उससे करना, यह आ गया हमारे पास 30, यह आ गया हमारे पास 40। और जब इनको डाउन करना है मतलब माइनस करना है तो भी हमने इंडेक्स फिंगर से करना है, जैसे माइनस रह गया 30 20, दिस इज 10, और अभी हमारे वेक्टर्स पे 0 है। तो जैसे हमारा यहाँ पे 5 था तो इसके साथ वाली जो टेंस राड है उसका जो बीड है ये 50 होगा। तो हमने जो 50 का बीड है वो हमने लेफ्ट हैंड की मिडल फिंगर से करना है, इसको अप भी इसी से करना है और डाउन भी इसी से करना है। अप का मतलब होता है माइनस करना और डाउन का मतलब है कि प्लस करना। तो ऐसे ये हमारे चलेंगे। जैसे आप सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने यहाँ पे बनाना है 21, तो यहाँ से हम 2 बीट्स करेंगे 20 और 1 यहाँ से थंब से करेंगे, तो ये हमारा बन गया 21। और जब इसको माइनस करना है 21, तो ये हम इंडेक्स फिंगर से यहाँ 20 माइनस करेंगे और यहाँ से। अब हमने बनाना है 53, तो हमने यहाँ किया 50, दिस इज 3। अब इसको माइनस करना है तो हम यहाँ से मिडल फिंगर से अप कर देंगे 50 को और यहाँ से। एक बार मैं आपको थोड़ी सी काउंटिंग ऐसी करवा देता हूँ, जैसे हमारा इस टाइम हमारे पास है 0, तो ये हो गया 1 2 3 4, अब हमारे पास आ गया 5, फिर 6 7 8 9, ये हमारे पास इस वक्त 9 है, अभी हमारे पास 0 है, तो दिस इज 10। अब ये 10 हो गया तो हम कर सकते हैं 11 12 13 14, अब फिर से 10 रह गया, अभी हो गया 15, अब ये करेगा 16 17 18 19, तो अब हमारा ये 19 है इस वक्त, तो हम इसको करेंगे तो इस वक्त हमारे पास 10 आ गया, तो अब ये 10 और 10 20, तो अभी जैसे करना है 21 22 23 24, तो जैसे अगर हम 5 भी करें तो हमारा 29 बन गया। तो ऐसे हम ये डबल डिजिट्स करते हैं। तो इसकी मैं आपको, जैसे हमने सिंगल डिजिट के आपको फ्लैश कार्ड्स बताए थे कि हम कैसे बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, ऐसे ही हम हमारे पास डबल डिजिट के भी होते हैं। तो जैसे हम बच्चों को क्या करते हैं, जैसे ये फ्लैश कार्ड बता देंगे उनको, बोलेंगे बताइए क्या है, तो बच्चा हमें बताएगा, जैसे ये वाली हमारी वन्स राड है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंटर है, तो पॉइंटर वाली वन्स राड है और इसके साथ वाली जो है वो टेंस राड है, हम सेकंड राड भी बोलते हैं। तो हम बच्चे को घर में भी बना के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं उसको कि बेटा कितना है,
तो जब इसको कैलकुलेट करेगा तो उसको आप बता सकते हैं पीछे लिखा है 98, तो 98 इसका आंसर है। जैसे हम नेक्स्ट फ्लैश कार्ड उसको बताते हैं तो अब बच्चा यहाँ पे देखेगा, क्योंकि ये हमारी वन रॉड है, इस पे कोई भी बीड हमारी वैल्यू बार को टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे जीरो है, तो टेंथ रॉड पे एट है, एट और जीरो कितना हो गया 80, तो बच्चे को हम पूछ सकते हैं कितने है, तो बुलाएगा 88। ऐसे हमारा नेक्स्ट फ्लैश कार्ड होगा तो बच्चा पढ़ेगा कि यहाँ 10 है और 6 कितना हो गया 16, तो 16 इज द राइट आंसर। तो ये जो फ्लैश कार्ड मैं बता रहा हूँ इससे बच्चे जो है बड़ी जल्दी से सीख लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं भी, तो जैसे ये बच्चा पढ़ेगा खुद बताएगा क्या है, तो दिस इज 36। ऐसे ही नेक्स्ट फ्लैश कार्ड है ये, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा ये बीड है, ये ऊपर है 50 का और यहाँ पे 3 है, तो हमारा हो गया 53। तो बच्चों को ये फ्लैश कार्ड अच्छे भी लगते हैं, वो इसको एंजॉय भी करते हैं और आप इनको घर में बना के उनको दिखा भी सकते हैं, और जिससे उनकी बीड्स के प्रति आइडेंटिफिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और वो आगे इसको बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे 62 है, तो ऐसे ऐसे आप पिछली बार हमने आपको सिंगल डिजिट के फ्लैश कार्ड बताए थे, आज आपको डबल डिजिट्स के बताए हैं, तो अब हम थोड़ा सा जैसे आपको लास्ट टाइम हमने उसका सिंगल डिजिट के क्वेश्चंस किए थे वो सिंपल सम्स थे, आज हम थोड़ा उसका आपको पिंचिंग और अनपिंचिंग भी प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे भी बुक पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे कि राइट हैंडर्स ने कैसे करना है, लेफ्ट हैंडर्स ने कैसे करना है, तो वो सारी चीजें अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। क्योंकि पिछली बार हमने जो किया था वो सब सिंपल था, मतलब उसमें हमने जैसे 1 2 3 4 किया था, फिर 5 किया था, तो अब हम करेंगे कि हमने अब एक्स पे अपने जैसे 6 करना है तो 6 कैसे करना है, तो जैसे पेंसिल हमारे पास राइट हैंडर्स के पास ऐसे पकड़ी होगी, तो हमने 6 कैसे करना है, 5 और 1 को इकट्ठा से पिंच कर देना है, इसको हम बोलते हैं पिंचिंग। अब जैसे -6 करना है तो इसको हम अनपिंच कर देंगे। अब नेक्स्ट था हमने पिंच करना है 7, तो जैसे 5 और 2 को इकट्ठा पिंच करना है, ऊपर से 5 लेना और नीचे से, तो जैसे अनपिंच करना है तो -7 ऐसे हो जाएगा। फिर जैसे हमने 8 करना है तो 5 और 3 को इकट्ठा पिंच करना है। अब जैसे सपोज इसमें से हमने -6 करना है तो हम 5 और 1 को अनपिंच करेंगे, बाकी वैसे का वैसा रहेगा। ऐसे अगर पिंच करना हम बच्चों को सिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम हर रॉड पे उनको बोलते हैं कि 6 बनाओ, तो वो क्या करेंगे 6 6 6 6 6 6 6 6 ऐसे बनाएंगे, फिर उनको बोलना इसको क्लियर कर दो, फिर उनको बोलते हैं 7 बनाओ, वो बनाएंगे 7 7 7 7 7 7 7, तो ये 7 बन जाएगा। फिर उसको बोलेंगे इनको अनपिंच करो, तो इसको क्लियर कर देंगे बैक, इसको फिर बनाएंगे 8 8 8 8 8 8 8, फिर उनको बोलेंगे वैकस क्लियर करो, तो वो वैकस क्लियर कर देंगे। फिर उनको बोलेंगे 9 बड़ा, बोले 9 9 9 9 9 9 9। अब उनको हम अगर बोलते हैं यहाँ से आप -7 करो, तो वो 7 अनपिंच करेंगे 5 और 2, -7 -7 -7 -7 -7 -7, तो अगर उनको आंसर पूछेंगे तो वो आंसर है सेंटर आर्ट पे देख के बताएंगे आंसर इज 2। तो ऐसे अब मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा आपको कि हम पिंचिंग वाले कैसे करते हैं। जैसे कि पिछली बार बताया था वैकस हमने 3 फिंगर्स से पकड़ना है लेफ्ट हैंड की, हमारी ये 2 फिंगर्स फ्री हैं, ये 2 फिंगर्स जो हैं ये हमारी टेंथ रॉड पे चलती हैं। तो जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये है 9 -8 7, तो 9 का मतलब है कि हमने 9 यहाँ से बीड्स इकट्ठे लेने हैं 9। अब -8 का मतलब कि 8 बीड्स हमने अनपिंच करने हैं, 5 ऊपर से और 3 नीचे से। फिर आगे आ गया 7, तो 7 का मतलब हमने फिर 7 पिंच करने हैं, लेकिन हमने ये 1 को नहीं देखना है, 7 का मतलब 5 ऊपर से 2 नीचे से लेने हैं, तो हमारा आंसर आ गया 8, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे 8। ऐसे ही जैसे हमने ये क्वेश्चन कर लिया उसके बाद इसको क्लियर करेंगे और अपने वैकस को सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 6 2 1, तो हम इसको क्या करेंगे 6, फिर 2 का मतलब 2 बीड्स ऊपर और 1 ऊपर, तो हमारा आंसर आ गया 9, तो हम यहाँ पे 9 आंसर लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे,
तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 4, -8, तो हम करेंगे 5 यहां से 4 और -8 मीन्स 8 बीट्स अनपिंच करने हैं, 5 ऊपर से 3 नीचे से, तो हमारा आंसर आ गया 1। अब नेक्स्ट के क्वेश्चन जो है मैं आपको लेफ्ट हैंड से करके दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ लेफ्ट हैंडर्स जो जिनको प्रॉब्लम है कि वो कैसे पकड़ना है उन्होंने, तो वो ऐसे करेंगे, ऐसे हमने पकड़ी हुई है पेंसिल, करना हमने इसी से राइट हैंड से ही है। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 7, -8, तो हमने किया 2। अब 7 का मतलब है कि हमने 7 बीट्स करने हैं, इन 2 को नहीं हमने देखना है, तो 7 बीट्स हमने किए 7। अब -8 मीन्स 5 ऊपर से 3 नीचे से अनपिंच करना है, तो हमारा आंसर आ गया 1। तो हम जैसे लेफ्ट हैंडर्स हैं, अगर उनको छोड़ने में प्रॉब्लम है तो इस हाथ से वो पकड़ के, तो यहाँ पे आंसर 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे फिर से वो पकड़ लेंगे, इससे क्लियर करेंगे, क्योंकि जो भी काम हमने राइट हैंड से करना है वो राइट हैंडर ने भी राइट हैंड से करना है और लेफ्ट हैंडर ने भी राइट हैंड से करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे मूव करेंगे, क्वेश्चन है 6, 3, -7, तो हम करेंगे 6, 3, -7 मीन्स 7 बीट्स अनपिंच करेंगे, तो आंसर इज 2। तो जैसे लेफ्ट हैंडर, तो यहां से पकड़ के वो आंसर यहां पे 2 लिख सकता है, फिर उसने अपनी पेंसिल पकड़ लेनी है लेफ्ट हैंडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 4, -7, तो हम यहां से करेंगे 5, 4 और -7 मीन्स 7 बीट्स अनपिंच करने हैं, तो हमारा आंसर आ गया 2, तो वह यहाँ पे आंसर 2 लिख। तो ये जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे, पिछली बार हमने सिंपल किए थे यहाँ से, और आज हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो किए वो पिंचिंग एंड अनपिंचिंग से किए, और अभी हम डबल डिजिट के क्वेश्चंस करेंगे, कि जैसे मैं आपको आइडेंटिफाई करवाऊंगा कि डबल डिजिट हमने कैसे करनी है। अभी डबल डिजिट भी जो है वो सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है हमारी। फिर से मैं राइट हैंडर बन के आपको पकड़ाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे हमने ये करना है। तो जैसे डबल डिजिट का क्वेश्चन है हमारा 23, 15, 51, तो 23 जैसे हमारे पास ये 20 हमने 10 से रॉड पे लेना है, 20 यहाँ से लेना है और 3 यहाँ से लेना है। अब नेक्स्ट है 15 मीन्स 10 यहाँ से लेंगे और 5 यहाँ से लेंगे। अब 51 मीन्स 50 हम यहाँ से लेंगे, जो हमने लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर से करना है, और 1 यहाँ से राइट से करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 89, तो हम इसको 89 लिख देंगे। ऐसे ही हमारे पास ये, उसके बाद हम क्लियर कर देंगे। अब हमने सेकंड क्वेश्चन पे चलना है अपना वैकस मूव करके, ये है 12, तो पहले 12 क्या होगा, 10 हम 10 रॉड से करेंगे और 2 यहां से करेंगे। फिर 52 यहां 10 रॉड से होगा और 2 1 रॉड से। फिर 15 10 रॉड से आएगा और 5 हमारा 1 रॉड से आएगा, और हम अपना आंसर कैलकुलेट करेंगे, दिस इज 79। ऐसे अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे, अपना बैकेट साथ में मूव करके इसको क्लियर करना है। इसका क्वेश्चन है 11, 55, 22, तो पहले हम 11, 10 यहां से करेंगे, 1 यहां से लेंगे। फिर 55, 5 यहां से लेंगे, 5 यहां से लेंगे। फिर 22, 2 10 रॉड से, 20 और 2 हम 1 रॉड से लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया 88। अब यही क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वाले जो है वो लेफ्ट हैंड से करके दिखाऊंगा, ताकि लेफ्ट हैंडर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस यही ध्यान रखना है कि आपने अपना अबैकस उस क्वेश्चन पे रखनी है सेंटर रॉड जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्योंकि उससे बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होता, नहीं तो बच्चा अगर अबैकस कहीं है, कर कहीं रहा है, तो वो कई बार आंसर गलत भी लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53, 11, 15, तो अब हमने लेफ्ट हैंड से अबैकस पकड़ा है, लेफ्ट हैंड में पेंसिल पकड़ी है और लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं। जैसे आ गया 50 हमारा, ये आ गया मिडल फिंगर से, 3 हमने इससे करना है। फिर आगे आ गया 11, 10 यहां से करेंगे, 1 यहां से करेंगे। फिर आ गया 15, तो 15 में हमारा 10 यहां से आएगा और 5 यहां से आएगा, और हमारा आंसर आ गया 79। तो लेफ्ट हैंडर जो है वो 79 ऐसे लिख देंगे। तो अब यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने जाना है, वहां पे हमने अपना वैकस भी साथ में मूव करना है, ताकि सेंटर रॉड उसी क्वेश्चन पे हो। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा 15, 32, 51, तो 15 10 यहाँ से आएगा और 5 यहाँ से आएगा। आगे 32 30 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आएगा। आगे 51 50 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, तो हमारा आंसर आ गया 98। तो जो हमारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं कोई सिखाने वाले, तो वो सब देख सकते हैं कि मैं लेफ्ट हैंड से क्वेश्चंस कैसे कर रहा हूँ। और लेफ्ट हैंडर ने फिंगर्स आपकी जैसे राइट हैंडर यूज करेगा, वैसे ही लेफ्ट हैंडर ने करनी है, लेकिन सिर्फ लेफ्ट हैंडर का फर्क ये रहेगा कि उसने अपनी
पेंसिल जो है वो लेफ्ट हैंड में पकड़ के रखनी है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 11:55-15, तो जैसे हमने कर दिया 11, अब 55 यहां से आएगा, 5 यहां से आएगा और -15 ये 10 यहां से डाउन करेंगे और -5 यहां से करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 51। तो लेफ्ट हैंडर ऐसे लिख सकता है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल राइट में पकड़ के रखनी है, तो बच्चा ऐसे कर सकता है। तो ऐसे अभी मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस और बता दूंगा कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बीड्स के जो ऐसे हमने किए हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये मैं आपको एक पेज बता रहा हूं हमारी बुक का, जैसे हमने काउंट एंड राइट वैल्यू, तो ये डबल डिजिट का है। जैसे हम देखो यहाँ पे देखें कितने, ये हमारी वंस रॉड है, ये हमारी टेंस रॉड है, तो यहाँ पे कितने 2 बीड्स हैं, तो हम कहते हैं 20 और यहाँ पे 1। ऐसे हम इस क्वेश्चन पे चलेंगे, ये हमारा ऊपर वाले कितने हैं 50 है और 1 60, तो हम ये 6 लिख लेंगे 60 का, और यहाँ पे 5 6 7, तो ये हमारा आ गया 67। ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 20 के बीड्स टच कर रहे हैं 2 बीड्स, तो ये 2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया 7, तो ये हमारा आ गया 27। ऐसे ये चीज़ आप इस शीट को इसका वो प्रिंट भी ले सकते हैं, ताकि आप बच्चों को घर में प्रैक्टिस करवाएं। उसका जैसे बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है तो उनको डबल डिजिट की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, आप उनको उसके बाद फ्लैश कार्ड्स पे भी उनको दिखा सकते हो। ऐसे ही मैं एक और पेज इसका दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हमने एक पेज दिया हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा है कि 21 है, तो हमने 21 कैसे बनाने हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम इधर 20 के 2 बीड्स बना देंगे और 1 मतलब यहाँ पे 1 बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दी है और हमने उनके बीड्स बनाए। जैसे 65 बनाना है तो ये हमारा आ गया 50 और ये आ गया 10 60, और अब 5 बनाना है तो 5 का बीड हमारा ऊपर है। अब इस क्वेश्चन में हमने 11 बनाना है, तो क्या आएगा 1 10 और 1 11। अब इस क्वेश्चन में हमने 83 बनाना है, तो ये हमारा आ गया 50 60 70 80, और यहाँ पे वो 3 बीड्स बनाएगा, बन गया 83। तो आप इसका भी एक प्रिंट ले सकते हैं और बच्चों को आप ये करने के लिए दे सकते हैं। तो अभी ये हमारा, अभी हम थोड़ा सा नेक्स्ट और मैं बताऊंगा कि जैसे अब हमने ये सिंपल अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन की है, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसमें हम कुछ आपको ऐसे क्वेश्चंस बताएंगे कि बच्चों ने कैसे कर लिया। जैसे अभी तक हम सिंपल क्वेश्चंस तो कर रहे थे कि जैसे सपोज मैं कोई क्वेश्चन दे दूं 2 2 5, जैसे कोई क्वेश्चन दे दूं 3 -1 2, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है ऐसे 1 1 4, तो इसको कैसे करना है, या हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे 2 4 2, ये कैसे करना है। अब पहले मैं आपको ये दो क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि जो हम कर चुके हैं, उसके लिए पहले हमने देखा है 2 2 5, तो हम जैसे यहां पे करते हैं क्वेश्चंस, ये हमारा आ गया 2, फिर 2 मीन्स 2 बीट 4 और 5, तो हमारा आंसर आ गया 9, तो हमने इनका आंसर लिख दिया 9। अभी दूसरा क्वेश्चन है 3 -1 2, तो अब इसको कैसे करेंगे, 3 का मतलब 3 बीट्स ऊपर करने हैं, -1 का मतलब है 1 बीट डाउन, और 2 का मतलब है 2 बीट्स और हमने ऊपर करने हैं, तो हमारा आंसर आ गया 4। अब ये क्वेश्चन अलग किस्म का है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अभी है 1 1 4, हमने किया 1, अब फिर से किया 1, तो उसके बाद हमने करना है 4, लेकिन हमारे पास 4 बीट्स हैं नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 बीट्स हैं, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इनके लिए हमारे पास आगे स्मॉल फ्रेंड्स होते हैं, या जैसे मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे यहां लिखा हमने 2 4 2, अब ये क्वेश्चन तो ये कैसे करेंगे, हमने किया 2, अब 4 करना है, तो फिर हमारे पास 4 बीट्स नहीं है, तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये स्मॉल फ्रेंड्स क्या होते हैं, हम वो फॉर्मूला लगा के कैसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आपको अभी यही बताऊंगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे 34 फॉर्मूलाज होते हैं, जब आप वो पूरे फॉर्मूलाज कर लेंगे बच्चे, तो
उसके बाद ही आप कोई भी क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन का कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनके फार्मूला स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने आपको सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बताए हैं जो सिंगल डिजिट में है और डबल डिजिट में है। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट्स जरूर दें, क्योंकि अगर आपने कमेंट्स दिए तो हमें पता लगता है कि हमारी वीडियो कैसी है, अगर कुछ उसमें कमियां हैं ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकें। तो इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो यहाँ खत्म करते हैं। और एक और अपील करता हूँ कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, और हमारा हर वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि तभी आपको कंसेप्ट क्लियर होगी। अब आपने जिन्होंने ये पहला वीडियो देखा है तो उन्होंने देखा होगा कि उसका लिंक इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। तो फिर ऐसे ही आप जो हमारा वीडियो 3 आएगा व्हीकल्स ट्यूटोरियल का, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि वो उसका लिंक जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अब वीडियो 3 हमारा नेक्स्ट निकलते हैं, उसके तब तक टेक केयर, थैंक यू।